वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग ग्रेट। और धूप धूप तो सही है। तो आज सडनली मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मतलब फ़ोटो खिंचाने हम लोग जा रहे थे, तो सडनली मेरे दिमाग में ऐसे एकदम बूम किया कि यार चलो जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना iPhone 13 Pro और DSLR को कंपेयर किया जाए। फिर हम लोग फिर कल ही प्लान किया कि चलो आज हम लोग थोड़ा कहीं घूमने में जाएंगे, उसके बाद हम लोग iPhone 13 Pro वर्सेस प्रोफेशनल कैमरा करेंगे, जिसमें हम लोग वीडियो भी शूट करेंगे, फ़ोटो भी शूट करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। जितने लोग भी आईफोन यूज़र है या जितने लोग भी कैमरा यूज़र है, तो उन लोगों को मतलब डिफरेंस विफरेंस देखते हैं कैसा होता है, रियल टाइम डिफरेंस जो है बिना एडिट किए बिल्कुल नेचुरल जो होता है, तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी सब दोस्त लोग रेडी हो रहा है, हम तो रेडी थे, तो बस कैमरा वैमरा वाला बैग सेटअप कर लेते हैं। जैसे उन लोग का कॉल आ जाता है हम लोग निकलते हैं, कोई लोकेशन पे चलते हैं। मोस्टली बांजेडी ही जाएंगे, वो थोड़ा खाली जगह होता है, तो वहीं हम लोग शूट करेंगे। तो इसमें हम लोग लगा रहे हैं टेरी लेंस, मतलब iPhone 13 Pro से शूट करना है यार, तो थोड़ा तो अच्छा यूज़ करना होगा। बिल्कुल सेम होना चाहिए स्पेसिफिकेशन और सारा सेटिंग्स, तभी तो असली डिफरेंस पता चलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से जो हम लोग को बेस्ट लेंस लगेगा, सारा लेंस है जो लगेगा वो लगा लेंगे। फिलहाल ये लगा लेते हैं क्योंकि रोड में काफ़ी धूल होता है, रोड में लेंस चेंज करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। चश्मा तो हम भी नहीं लिए, हम लिए पर अपना पावर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए, अब जल्दी से मतलब जाते हैं। अबे तावड़े लोकेशन बताओ ना, रोड ही पे खींच कराएगा नीचे साइड की आगे साइड जाएगा, सुनसान एरिया चलो जाना थोड़ा। हाँ मतलब सुनसान ही जाना चाह रहे हैं जहाँ आराम से हम लोग शूट कर सके। कल एक ब्लॉगर मिला तो हम लोग पार्क में बैठे हुए थे हम लोग तीनों, तो आगे बोलता है कि भैया हम लोग का ना एक तो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। भैया कह रहा था तो हम लोग तो फिर हम लोग उसका कर दिए सब्सक्राइब। लोकेशन पहुंच गया लेकिन यहाँ पर मतलब मामा लोग ना दौड़ा दे वैसा कोई। यार किसका दादा रहा तू, एक बार आए थे हम पातुल के साथ, पुलिस को बोला पातुल पातुल का जगह वैसे सही है, ये पेड़ वेड़ सही लग रहा है। डेढ़ लाख और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं हुआ गरीब आदमी। अरे बाप रे बाप, BMW वाला पहन के आया टी शर्ट। आओ भी BMW एडिशन, चलो हम लोग शूट करके देखते हैं। लेकिन गंदा यार, छी यार, अरे छी यार, अरे यार, अरे यार, डोमिनिक टोरेटो नहीं है ब्रो, ये मेरे फैमिली के। देख देख सामने देख, एक नंबर भाई, खाली लोकेशन, डायरेक्ट धूप भी नीचे, सब कुछ परफेक्ट है। आ जाओ आप कंपैरिजन करते हैं थोड़ा। तो इसमें मतलब लगा हुआ है 85mm f/1.8 और उसका जो टेली लेंस है वो 77mm f/2.8 है, तो इसका सेटिंग बिल्कुल उससे मैच करके शूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। ये दोनों को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, तो कौन पोज मारेगा और कौन शूट करेगा बताओ। कोई भी हो जाएगा यार, आईफोन वाले भैया। और इससे कौन क्लिक तो हमसे होता नहीं है, तुम नहीं कर पाएगा तो फिर तावड़े कर लेगा। बस इस देखते रहना, फ्रेम सही रहना चाहिए। सिनेमैटिक वीडियो निकालो, मतलब सिनेमैटिक पहले फोटो कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मतलब वीडियो निकालेंगे ना आईफोन से वैसे बनाएगा, उसी तरह तुमको कैमरा सही बनाना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि पहले फोटो क्लिक करके देख लेते हैं दोनों, उसके बाद फिर सिनेमैटिक वीडियो बना लेंगे दोनों से। डोंट हैव मत टाइप। हां हां ठीक है, तो करते हैं ना। इधर आना, लाइट ने लाइट का पॉइंट इधर आओ, इधर सिनेमैटिक शूट हो रहा है गाइस। बहुत तगड़ा वीडियो, अभी वीडियो आएगा सब रिजल्ट में दिखेगा। आ जाओ लेकिन ऐसे लेना तुम, ओए थोड़ा धीरे चलो भाई, इतना हड़बड़ी क्यों है। फोकस हो रहा है, अब जाओ तो तुम उधर जाओ, तो रुको हम लेते हैं एक बार। इसके एडिट मार देंगे ना, तो ये नॉ इसका फेस इतना ज्यादा काहे ब्लर हो जा रहा है। सिनेमैटिक मोड में ब्लर हो जाता है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं ना है। सामने से फोकस करता है, नहीं करता। अभी दिखाएंगे ना रिजल्ट में दिखाएंगे। इस साइड से ब्लर अच्छा होगा क्योंकि इस साइड धूप नहीं है ना। रेडी, वन टू थ्री।
ऐसे ठीक रहा है, DSLR में बहुत ज्यादा अच्छा है। अबे तो भाई पैसा ही इसलिए लेता है, किस लिए ले रहा है? रुका फोटो टेस्ट करते हैं एक बार, फोटो पोर्ट्रेट में फोटो किधर लिया जाए। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं सारा रिजल्ट, अभी हम लोग जब एडिटिंग करेंगे तब डालेंगे। अभी वीडियो का एक दो शॉट निकाले हैं, फोटो का भी निकाल लेते हैं। आप तेरा नहीं करना होगा, कैमरा लेना होगा। 13 पुराना हो गया, इसमें क्या होता है ना, इसमें डायनेमिक रेंज बढ़ा देता है ना, तो इसमें बैक का ज्यादा ये कर दिया है। दोनों एक जैसा बनेगा तभी तुम दिखाएगा कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ एक ही एंगल से रहेगा तो सही लगेगा। तो कुछ नया एंगल डिसाइड हुआ है तो कैमरा से सही आता है, आईफोन से बहुत दिन डाल लिए। दिखा दो सबको, बता दो पूरा, बताओ। न्यू बॉय इन द फ्रेम, यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट। अरे BMW एम्बेसडर यो भाई, कार दिखना चाहिए क्या? कार भी फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है, ब्लर रहेगा लेकिन। और कुत्ता जैसा मुंह, और गंदा। अबे सामने देख के, सामने देख के कर, सामने देख, इधर जा। फोटो चेक हो रहा है अभी, कैसा आया कैसा नहीं, देखते रहिए सर। देख रहा है का नहीं है, मैं साला 50 का लिया था, 51 रुपए में मैंने नहीं लिया था भाई। अबे साला पूरा बात बताओ यार, क्या दिक्कत है यार, 50 का चप्पल है तो। हाँ बढ़िया साफ होना चाहिए जी मालिक। आईफोन 13 प्रो और इधर है GoPro। वाह यार, सब लोग एक दूसरे का। ऑल राइट गाइस, तो जैसा मतलब वीडियो में आप लोग ने देखा कि मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मतलब आईफोन 13 प्रो के बारे में सुने थे तो मतलब उस टाइम हम यूज़ नहीं किए थे, तो मेरे को सब लोग बोलते थे यार सिनेमैटिक मोड काफ़ी अच्छा है और कैमरा का टक्कर है, ये है वो है। बट जब रियल टाइम शूट किए तो बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला। बट ये चीज़ फाइनलाइज हो जाता है कि एक कैमरे को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, चाहे वो कितना भी महंगा फ़ोन क्यों ना आ जाए। कैमरा तो कैमरा रहेगा, कैमरा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है फ़ोन में। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, बट अभी के टाइम में कैमरा का कोई टक्कर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि
फ़ोन में क्या है ना, सेंसर साइज़ काफ़ी छोटा होता है कैमरे का, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस नहीं है वो बड़ा सेंसर देने का। तो वो सेंसर साइज़ छोटा होने के कारण भी डिफरेंस और लाइटिंग में काफ़ी पता चलता है। मेरे का सेंसर काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारा मतलब फ़ोन का कंपनी लोग भी बेवकूफ़ बनाता है मेगापिक्सल बोल के, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, बट इसका कोई काम नहीं होता है। असल में तो बस 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल के ऊपर का ज़रूरत ही नहीं है इंसान को। बट ठीक है, लोग बेवकूफ़ बनाता है, लोग बेवकूफ़ बनता है। आई होप ये वीडियो में आप लोग को पूरा डिफरेंस पता चला होगा। आप लोग तो बस ऐसे ही शूट कर दिए थे, मतलब मज़ा आ रहा था तो शूट कर दिए, डिफरेंस दिखा दिए। जितने लोग को भी आईफोन और कैमरे में डिफरेंस देखना था वो लोग को पता चल जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। हम लोग का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, होपफुली घूमने जाने वाले हैं, तो देखते हैं अगर ट्रिप होगा तो व्लॉग होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड फॉर व्हाटएवर रीज़न लाइक कर दो, अगर तुमको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा हाँ कुछ हुआ है ठीक ठाक। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बस हम वीडियो को रेंडर करके अपलोड करने वाले हैं, तो शेड्यूल कर देंगे। सो अब देखते हैं, तब तक के लिए शब गया, टेक केयर और पीस आउट।